जेन जी, ये वो जनरेशन है जिनका ना ही कोई उम्मीद दूदू है, ना ही कोई भरोसा आंसू। हाँ जी, पहले लोगों का पर्सनली डाउनफॉल हुआ करता था, अब तो भाई साहब पूरे के पूरे जनरेशन का ही हो रखा है। इतना कि जो सही में ढंग के जेन जी हैं, वो लोग भी आटे में घुन की तरह पिस चुके हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भैंस की आंख, मेरा कोई दोस्त मेरे आगे आकर के बोलता है ना, डोंट वरी यार, जेलुलू इज द सेलुलू। मन करता है चप्पल से मारूं, लेकिन मार भी तो नहीं सकती, प्यार जो करती हूं सालों से। मैं झूठ मारूंगा। निब्बा निब्बी की बकैती से लेकर के शब्दों का कता लूलू करना, ये सब जेन जी की मेहनत है। और लानत ऐसी मेहनत पे, ऐसी ही मेहनत इन दोनों ने करी है और नाम दिया है उसका टाइम फॉर फन। देखते हैं कितना फन होता है इनका और मेरा। तो दोस्तों, मौत का खेल जो है, मैं शूट भी दिखा रहा हूँ आपको। स्कूटर के नीचे पांव तक नहीं लग रहा बालकों का, हाइट 5 फीट तक नहीं पहुंची है। सबसे छोटे साइज के कपड़े भी इनको ओवर साइज हो रहे हैं और इन्हें आशिकी की करना है। और पास करके काम कर, उसको गोदी में ही बैठा लेना भाई। और ससुरा घर के पास ऐसी हरकतें कर रहा है भाई, लड़की पास आए ना आए, बाप की चप्पल तो आ जानी चाहिए अब तक। नहीं, मेरी जिंदगी में कम रिग्रेट्स थे, जब आंखें होने का भी रिग्रेट करूं मैं। अगर मुझे कहूं मैं प्रोटेस्ट करूंगा, चलेगा? हे भगवान, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर मैं तुम्हें दो रैपट मारूं तो चलेगा भाई? इनकी उम्र में हमें लगता था कि किस करने से बच्चा हो जाता होगा, और इनको देखो, पैंट में पॉटी करने की उम्र में इनको किस करना है। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। रात में बेड गीला करने वालों को होंठ गीले करने हैं। और भाई किस ही क्यों, एक काम करना, प्रेग्नेंट कर दे उसे तू। कंट्रोल ये किस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? देखो जनरली बताऊं ना, तो मेरे को बच्चों को रोस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि इनके एग्जांपल लेकर के बाकियों को समझा भी तो सकते हैं कि डियर पेरेंट्स, कभी कभी आप जल्दी भी सो सकते हो, ऐसे बच्चों से बच जाओ। कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अरे अरे बेटा, कोई जूता सुंघाओ इसको, मिर्गी लग गई बच्चे को। अब यही होगा ना, जब तुम इस उम्र में गीली पुछिया करोगे कुछ भी। इस वीडियो पे इनके 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ रखे हैं, मतलब कंटेंट बनाना कितना इजी हो गया है ना। दो बच्चे किससे कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और इंस्टाग्राम ऐसी वीडियोस को बढ़ा भी रहा है आगे कि हाँ, इसने देखा अब तू भी देख ले, तेरी फीड पे मैं ये भेजूंगा, ये बच्चों को किससे करते देख, और तू सिंगल है ना, मर जा। मार डालो, क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में। 8 साल की उम्र में इनकी सेटिंग हो गई, तेरी 28 की उम्र में नहीं हो रही, मर जा जाकर के, जा। लखदीप, थू 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 थू। नहीं, क्या मैं यही सब देखने के लिए 1000 रुपए अपनी इंटरनेट कंपनी को देती हूँ हर महीने? ये वही जनरेशन है जिनके लिए हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि बच्चों रिसोर्सेज बचाने आने वाली जनरेशन के लिए। इनके लिए पानी बचाऊं मैं? 14 नवंबर बाल दिवस हम इन बच्चों के लिए मना रहे हैं। एक मत ये भी कह रहा है कि भाई साहब ग्लेशियर पिघल जाए। जारी छो, तुम अभी बच्ची ने बोलना भी नहीं सीखा, तुम वीडियो बनवा रहे हो उससे। माँ बाप ने घर घर खेलने के लिए बाहर भेजा था, उसमें इमेजिनरी पति होता है, इसे सही में पति बना लिया। साले मजाक बना के रखते हो। वेलकम टू राजस्थान हो गया ये तो। कोई मोए मोए चला दो मेरे बैकग्राउंड में। मोए 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 मोए। ये तुम लोग का पटाखा, ये मेरा पटाखा। यार तुम लोगों की गलती नहीं है बाल को, मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ जो मैं तुम्हारी वीडियो देख रही हूँ, वो भी चौथी। मतलब वीडियो में क्या था, ये मेरी पटाखा है, उसके बाद माचिस निकाल के दिखा रहा, जलाऊं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कुछ मारने के लिए भी तो नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन मारूं भी कैसे यार। जाओ जा करके पहले मम्मी से अपनी डायपर बदलवा के आओ, अपने बम पे पाउडर लगवा के आओ, कहीं रैशेज ना हो जाए, बहुत हग लिए हो ना तुम। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। अभी तक वो क्या नाम था, रिद्धि सहवाग, क्यूट कपल, वो सब कम थे जब तुम्हें देखे हम। मैं और मेरी आत्मा, हम दोनों को ही एक दूसरे से नफरत सी हो रही है, अलग होने की बातें कर रहे हैं हम। मुझे अपने घर जाना है। साइकिल के चक्के घुमाने की उम्र में सुबह से मैसेज करेंगे छिपकली के अंडे। अभी इनसे 9 का टेबल पूछ लो तो बोलेंगे लिखना आता है, याद तो नहीं है।
वर्बली नहीं पता। और इनको रिप्लाई चाहिए। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत। मुझे इन जैसे बच्चों के लिए पर्यावरण नहीं बचाना। आटा गूंध रही है मैडम और उसी हाथ से बाबू से हेलो लुलू कर रही है, प्यारो लुलू कर रही है। कसम से अगर हमने उस टाइम पे ऐसा कर दिया होता ना, तो जो हालत अभी आटे की दिख रही है ना इस वीडियो में, वो हमारी हो गई होती मम्मी के बदौलत। बात तो सही है, पर यार देखो सोच का फर्क होता है। अब देखो बच्चे मेहनत कर तो रहे हैं, मुझे भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कोई नहीं बच्चों, तुम लोग अपना लगे रहो, ऐसी वीडियोस बनाते रहो। हेटर्स गोना हेट एंड आई एम विद द हेटर्स। अबे साले। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बचपन से ही टॉक्सिसिटी झेलना सिखाया जा रहा है। और ये माइक्रो सिम कार्ड से बच्ची पानी पिला रही है और कैप्शन में लिखा है खाना खा लो, आंखों में दिल वाले इमोजी, दिल टूटा हुआ इमोजी। खाना लिख के पानी पिला रही है, गद्दारी कर दे, गद्दारी कर दे। लॉजिक भी यहाँ मोए मोए कर रहा है। और ये सुलगती नागिन का एटीट्यूड देखो, गुस्सा देखो, थोड़ा जूम करना, थोड़ा गुस्से में और जोर लगा दिया ना भाई ने, तो बिखर जाएगा कुछ, तो गंदा हो जाएगा। शर्म भी शर्मा के चली गई है यहाँ से, क्योंकि शर्म को भी इसको देख करके शर्म आ गई। शर्म करो, भगवान से डरो भूत। अरे पी लिया भाई, पी लिया भाई, बाबू ने थाना थाया, बाबू ने थाना था लिया। मिरेकल, मिरेकल। इनको कोई पकड़ करके दो बूंद पोलियो पिलाओ, क्योंकि मानसिक रूप से तो इनका विकास हुआ नहीं, क्या पता शारीरिक रूप से हो जाए। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ सुनो। बोल। सॉरी, मेरी गलती थी। सॉरी। ओहो, मुझे तो पता ही था तुम्हारी गलती है। भगवान। गलती मेरी है जो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, गलती मेरी है जो मैंने अपना अकाउंट बनाया, गलती मेरी है कि मेरे फीड में तुम्हारी वीडियो आई, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये गलती मैं और नहीं करूंगी भाई। अनइंस्टॉल का ऑप्शन कहाँ से आएगा? आ गया अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम। वापस से इंस्टॉल कर ले भाई, तुझे भी तो वहाँ पैसे छपरी ढूंढने होते हैं। बस हवा निकल गई। मेरा मूड बहुत खराब है, मतलब अब मेरा भी करूंगी। हाँ जी। और इन दोनों को देख के मेरा मूड खराब हो रहा है। मूड, दिमाग, दिल, घुटने, किडनी, लिवर, सब सब खराब हो रहा है। Help me. Help me. इनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद झंडू बाम से कुल्ला करने का मन कर रहा है मेरा। आंखों में गरम चिमटा डालने की चुल मच रही है मेरे अंदर। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, क्योंकि इनकी वीडियो देखना मेरी गलती है ना, नहीं मेरा पाप है। और इस पाप का पश्चाताप बस अब मैं इस धरती से वायुमंडल में जाकर ही कर सकती हूँ। चुप करे मैनेजर। गए, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है, मेरे पास गाली भी नहीं है यार गंदी गंदी, और मैं बोल भी नहीं सकती। अलग ही दुख है ये मेरा। इसकी माँ का भोला चेहरा और वो तेरी पटाखा, हेड ड्रेस तक तो उसका हेड जा नहीं रहा है। तू क्या कर रहा है यार? तुम दोनों से मिलकर के हैंड ब्रेक तो नीचे होगा नहीं है, गाड़ी चला रहे हो, आईफोन चला। भाई, भाई ये कौन सी जनरेशन है? नहीं भाई, इस गाड़ी का सीट बेल्ट लगाओगे तुम्हारा मुंह पे ही रह जाएगा, तो रहन दो ना यार, रहन दो प्लीज। क्यों अपने साथ साथ अपनी जनरेशन के हर बच्चे को गाली पड़वा रहे हो तुम? हो गया भाई मेरा, हो गया, मैं जा रही हूँ छत से कूदने भाई, मेरा हो गया, मैं आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड, मेरा हो गया। ओके सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोगों को पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दो यार।